नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य की टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन ने किया सर्वदलीय बैठक, संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी दलों के नेता से राय लिया। उन्होंने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में भी चर्चा किया, साथ ही शहरों में सैनिटाइजर करने की बात कहा। पारा शिक्षकों के लिए नया नियम बन चुका है, राज्य के पारा शिक्षक किसी भी मामले में सीधे हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी शिकायत के लिए पहले जिला स्तर पर जाना होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। यदि उन्हें संतुष्टि शिक्षा पदाधिकारी से नहीं हुई तो वे आगे की फैसला जिला उपायुक्त के पास अपील करेंगे। उन्हें उपायुक्त के पास भी न्याय न मिलने पर वे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पास आवेदन करेंगे। इसी तरह अंतिम आस में ही हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकेंगे। वहीं वैसे पारा शिक्षक जो 500 पारा शिक्षक 31 मार्च 2019 तक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था, उन्हें भी 8 माह का बकाया मानदेय भुगतान कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14-15 अप्रैल को बादल के साथ साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 10 से 13 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा और 14-15 अप्रैल को गर्जन के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। पलामू जिला के उपायुक्त ने गुटखा पान सिगरेट पर लगाया रोक। खबरों के अनुसार बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। डॉक्टर अग्रहारी ने कहा कि तंबाकू का सेवन आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि उसके सेवन करने वाले यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने पर धारा 268-69 के अनुसार 200 रुपये जुर्माना या 6 माह की कारावास हो सकता है। 15 अप्रैल से ट्रेनें चलाने की तैयारी में जुटी है रेल मंत्रालय। खबरों के अनुसार रेलवे ने सभी महाप्रबंधक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया है। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर संशय है कि ट्रेनें 15 अप्रैल से चलाई जाएगी। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रेल यात्री को समय से 3 या 4 घंटा पहले आकर थर्मल स्क्रीनिंग कराना होगा। गैस सिलेंडर को भी किया जा रहा है सैनिटाइजर। खबरों के अनुसार रांची में गैस सिलेंडर को भी सैनिटाइजर किया जा रहा है, उसके बाद ही ग्राहकों के घर होम डिलीवरी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति तक वायरस नहीं पहुंचे। वहीं लॉकडाउन के दौरान गैस डिलीवरी की जा रही है। किसानों के खाते में डाले गए 2,000 रुपये। PM किसान सम्मान निधि के तहत 14,000 करोड़ रुपये 7 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए। केंद्रीय कृषि मंत्री के सूत्रों के अनुसार 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में करीब 18,000 करोड़ रुपये रकम भेजी जानी है। महिला जनधन खातों में भी भेजे गए 1,000 रुपये। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाताधारकों के खाते में अगले 2 महीने में 500 रुपये भेजे जाएंगे। महिला जनधन में पहली किस्त 500 रुपये के बाद यह अफवाह उठ गया है कि पैसा नहीं निकालने पर पुनः काट लिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। पैसा किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। अफवाह पर ध्यान न दें, जरूरत पड़ने पर ही बैंक जाए, ज़्यादा भीड़ न करें। मजदूरों को घर लौटने का इंतजार, बाहर फंसे मजदूरों की संख्या 7 लाख बताया जा रहा है। यह मामला झारखंड राज्य का है। कई मजदूरों को खांसी व तेज बुखार भी है, ऐसे में झारखंड का हो सकता है बुरा हाल। वहीं महाराष्ट्र में 27 मजदूर सरकार से घर वापसी के लिए लगाई है गुहार। झारखंड के रांची जिला के सफाई कर्मियों पर थूकने का मामला सामने आ रहा है। खबरों के अनुसार हिंदी पीढ़ी के लोग ऐसा घिनौना हरकत कर रहे हैं, शिकायत बाद प्रशासन ने निगरानी कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में से आप बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनका नाम है स्टोरी प्लस उपेंद्र प्रसाद, MD परवाज, बद्री प्रसाद सिंह, अरुण सिंह, राम प्रसाद, सुमन कुमारी, मैना मैत्री, धनजय बावरी। इसके अलावा औरों का कमेंट हमें अच्छा लगा, आप जवाब देते रहे, हम आपका नाम अगली वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। आज का सवाल है, आप लॉकडाउन में अपना समय किस तरह से बिता रहे हैं, हमें संक्षेप में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।